जैसा कि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ईवीएम को लेकर लोगों के बीच में चर्चाएं होती रहती हैं। ईवीएम के बारे में जानते हैं कि ईवीएम है क्या और ईवीएम कैसे हमारे यहाँ इंडिया में आया, कब आया, कैसे शुरू हुआ। तो मेरे मन में एक चीज़ आई कि क्यों ना इसको देखकर एक वीडियो बनाई जाए जिसमें ईवीएम से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको अवेलेबल करा सकूँ। अपनी तरफ से मैंने एक अच्छी और संपूर्ण रूप से कोशिश की है आपके पास आने की, इसके बाद आप ईवीएम के बारे में काफ़ी चीज़ों को समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। ईवीएम की फुल फॉर्म मोस्टली लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की फुल फॉर्म होती है। अब इसका आविष्कार किसने किया, तो इसके आविष्कारक है एम एम हनीफा, जिन्होंने इसका आविष्कार किया। पंजीकरण इसको कब कराया गया, तो 15 अक्टूबर 1980 को इसे पंजीकृत कराया गया। प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल 1982 में हुआ था, 1980 में पंजीकृत हुई, 1982 में केरल के विधानसभा जो चुनाव थे, थरूर विधानसभा वहाँ एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर इसका प्रायोगिक तौर पर परीक्षण किया गया था। प्रायोगिक का मतलब है कि प्रयोग करके देखा गया था कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है। सरकार द्वारा इसको मान्यता 1988 में मिली। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करके इसे मान्यता दी गई थी कि हम वोट को ऐसे भी डाल सकते हैं। अब पहला प्रयोग इसका कब किया गया, तो 1998 में राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे, तो तीनों राज्यों में अलग अलग कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग करके देखा गया रिजल्ट परिणाम कैसा रहता है। अब एक चीज़ सामने आ रही है कि जब प्रयोग 1982 में हो गया था तो फिर 1998 में कैसे प्रयोग, तो एक्चुअल में क्या है कि ये प्रायोगिक तौर पे था, जैसे कि इसका एक प्रयोग करके देखा गया था और यहाँ पे मान्यता मिलने के बाद 1998 में जो है इसका वास्तविक रूप से प्रयोग किया गया था, किसी विधानसभा चुनाव में पूर्ण रूप से प्रयोग। एक्चुअल में कोई ऐसा विधानसभा चुनाव जिसमें टोटली प्रयोग इसी का हुआ हो, तो गोवा में 1999 गोवा में 1999 के विधानसभा चुनाव को पूरे तरीके से ईवीएम पर आधारित ही कराया गया था। लोकसभा का में पूर्ण रूप से प्रयोग, तो वर्ष 2004 में जो भी लोकसभा थी पूरा मतदान ईवीएम से कराया था सरकार ने, यानी विधानसभा में तो केरल से गोवा में 1999 में और लोकसभा में 2004 में जो भी लोकसभा में। भारत में निर्माण कहाँ होता है इसका, तो दो जगह होता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलोर में और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जब इसका निर्माण दो जगह हो गया तो निर्यात कहाँ कहाँ होता है, तो भारत इसका जो निर्यात है वो नेपाल में, भूटान में, नामीबिया, फिजी, केन्या आदि देशों में इसका निर्यात करता है। एक ईवीएम में कहा गया कि अधिकतम कितनी वोट डाली जा सकती है, अधिकतम तो 3840 वोट एक ईवीएम में दर्ज की जा सकती है। ईवीएम की एक बैलेटिंग यूनिट में 16 प्रत्याशियों के लिए प्रावधान है, ये भी संभव है कि संख्या ज़्यादा हो जाए, तो यदि संख्या ज़्यादा हो तो दूसरी बैलेटिंग यूनिट उसमें हम जोड़ देते हैं, यानी 16 × 32 इस तरीके से जो है प्रत्याशियों को फिर इसमें रखा जा सकता है। और अगर उससे भी ज़्यादा संख्या हो तो अधिकतम प्रावधान 4 ईवीएम को जोड़ने का, बैलेटिंग यूनिट को जोड़ने का है, जिसमें 16 × 4 = 64, यानी टोटल जो है 64 प्रत्याशियों तक का हम प्रावधान इसमें है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रत्याशी से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में जो पुराना तरीका है मतपेटिका और मतपत्र का, उसी का प्रयोग करते हैं। तो ये पूरा मैंने आज जो है इसके संबंध में सारी चीज़ें दी, उम्मीद है आपको ये पसंद आए, ठीक लगे, और इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं।